रेडी, 1 2 3, उठा उठा। रुक जा रुक जा रुक जा। ओ भाई गिर गया लगता है। गिर गए क्या? लगी तो नहीं? नहीं लगी नहीं है। अच्छा अच्छा से निकलते आगे, रोड बहुत ही खतरनाक है, पूरा ब्लैक आइस है, तो आई डोंट नो कैसे जाएंगे। जाएंगे तो जरूर, पर कैसे जाएंगे वो पता नहीं। आई होप कि अच्छे से पहुंच जाओ हम लोग सब, और निकलते हैं अभी सब लोग। यहाँ में रेडी हो के रखे चेन, चेन आप लोग देख सकते हो वहाँ पर भी चेन लगा के रखे, सब लोग लगा रहे। हम लोग ने लगा लिया पीछे टायर में, आगे टायर के लिए रस्सी पहुँचा नहीं है, तो चलते। हाँ जी, अभी हम लोग निकल के जसवंत गढ़ से, और आप रोड देख रहे हो पूरा ब्लैक आइस। आप इसमें थोड़ा भी ब्रेक दबाओगे ना आप गिरोगे जरूर। तो आपको यहाँ पर चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं, बट मुझे थोड़ा आइडिया है, तो आराम आराम से जा रहे हैं। अभी देखते हैं अभी क्या होता है, और भी पूरा ब्लैक आइस है। अभी गाड़ी आ गया, अभी अभी आराम से चलो यार, जाने दो हमें भी। उनका तो पूरा चेन लगा के रहा, आराम से पार हो जाएंगे। चेन नहीं है हमारे पास, तो हम लोग आराम आराम से चलना पड़ेगा, ब्रेक को नहीं खेलते फिर। हाँ अभी हम लोग फाइनली ब्लैक आइस से तो निकल गए। अभी इससे आगे भी मिलेगा या नहीं मुझे पता नहीं, बट जो यहाँ पर था मेन था, हम लोग जब आते वक्त भी यहाँ पर मिला था हमें, और हमारा एक राइडर भी गिर गया था जो हमारा ग्रुप में था। देख रहे हो राइट में गाड़ी में तो डीजल होता है ना, ठंड में पूरा। ओ शेट गिरने वाला था। जो मैं बोल रहा था कि डीजल गाड़ी होता है ना, तो उनका जो डीजल है ठंड में जम जाता है, तो नीचे से आग लगा के उसे गर्म कर रहा है, और अभी अभी गिरने वाला था। देख रहे हो पूरा ब्लैक आइस होके रखा है, पर हम लोग अभी तो एक बार भी गिरे नहीं है। पूरा पीछे का टायर स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहे। जहाँ जहाँ पर ब्लैक आइस ज़्यादा है, तो वहाँ पर पीआरओ ने आदमी लगा के रखा है, और पर मिट्टी डाल दे रहे, तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब आप आगे माउंटेन देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है। ओह माय गॉड, आते वक्त इतना खूबसूरत नहीं था, आते वक्त लग रहा था कि लद्दाख है, अभी जाते वक्त लग रहा है कि मनाली है। हो भाई साहब, सब कुछ आप फील कर सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर पूरा ब्लैक आइस है। आराम से चलते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी आपको एक चीज सिखाता हूँ गाइस, अगर आपको पसंद लगा ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लुक एट द व्यू मैन, डैम, ओ माय गॉड, सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल। लोग जाते हैं बाहर देश घूमने के लिए, अपना अरुणाचल में सब कुछ है गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रही है ये नजारा, ये माउंटेन। ओ माय गॉड, आप राइट देखो, लेफ्ट देखो, हर जगह बर्फ ही बर्फ और नजारा। अब आ रहा है राइट करने का मजा, प्लस धूप भी है तो मजा लग रहा है, ठंड नहीं लग रहा है। पांव में पानी जा चुका है, क्योंकि गड्ढा गड्ढा में हर जगह पानी है, तो तभी ठंड लग रहा है, उससे ज्यादा मजा आ रहा है। क्या खूबसूरत है, आपको लग रहा है मैं अरुणाचल में हूँ, आपको लग रहा है मैं इंडिया में हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा। हो क्या व्यू है, मुझे इसी को तो एक्सप्लोर करना था गाइस, क्योंकि आपने अरुणाचल कितना सुंदर है आप लोग देख सकते हो। अभी और भी बहुत सारा जगह है जो हम लोग जा सकते हैं अरुणाचल में, आप जीरो जा सकते हो, ईटानगर, गोल्डन टेम्पल, बहुत सारा जगह है आप घूमने के लिए, बट अभी मैं अपना वेस्ट कमिंग को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और आई एम फील वेरी प्राउड कि अपना अरुणाचल को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर मुझे कोई भी देख रहा है, एक दो जितने भी जन देख रहे हो, एक वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना, आप लोग देख सकते हो। माय गॉड, और एंजॉय द व्यू मैन, एंजॉय द ब्यूटी, और अरुणाचल प्रदेश सो ब्यूटीफुल गाइस, सो ब्यूटीफुल। मैं लोग सेला पास पहुंचने वाला है, आते वक्त भी यहीं पर मैंने व्लॉग किया था, उससे पहले भी किया था, वहां पर एक लेक है जो सेला पास का लेक है, वहां पर मैंने वीडियो किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वीडियो का ये जो जैक होता है ईयरफोन का, वो मैं लगाना भूल गया, तो पूरा विंड का आवाज आ रहा था, तो उसके कारण वो नहीं हो पाया। तो अभी जाते वक्त मैं तो आपको दिखा देता हूँ कि कितना सुंदर है सेला लेक, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी ज्यादा बात नहीं करते, आपको सेला लेक पहुंच के आपको दिखाते हैं कैसा है। अभी ये है सेला लेक, ओ एम जी,
ब्यूटीफुल। आपको रुक के दिखाता हूँ मैं, शिट यहाँ पर साइट लगा के आपको दिखाते, दिखाता हूँ। ब्यूटीफुल गाइस, ये फ्रोजन लेक है, पूरा फ्रोजन। मैं बता रहा हूँ ना, नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ है गाइस। ओ माय गॉड, आपको दिखाते हैं। देखिए मैं कहाँ पर हूँ आपका भाई, सेला पास में। ब्यूटीफुल नज़ारा, ये फ्रोजन लेक है, पूरा पूरा फ्रोजन है। और ये हमारा टाइगर यहाँ पर है, कितना खूबसूरत लग रही है। अभी हम लोग लेक में जा रहे हैं। हम लोग एक भैया से पूछा आप लोग जा सकते हो, इधर दूर दूर तक मत जाना, यहाँ पर देखो पहले भी आदमी लोग चल के बताए तो हम लोग जा सकते हैं। चलते हैं हम लोग भी जाके देखते हैं कैसा होता है कैसा नहीं होता है। और हवा विंड थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहे या नहीं दे रहे। अभी हम लोग जा रहे नीचे एक बार देखने के लिए कैसा होगा। और वहाँ पर मेरा भाई जय कर रहे पूरा बर्फ को भाई पहुंच गए, पर मुझे डर लग रहा है जाने के लिए, थोड़ी फट रही, मेरी थोड़ी फट रही जाने के लिए। बट एक बार एक्सपीरियंस करना है हमें, मुझे जाना ही पड़ेगा। इसका नीचे पूरा पानी है, ये फुल लेग है। अगर ये टूटा ना आपका आपका खलास। बट बहुत ही ब्यूटीफुल, क्या नज़ारा है। ओ माय गॉड, ये मेरा एक ड्रीम था कि मैं सेला पास आऊँ और एक वीडियो बनाऊँ और यूट्यूब पे अपलोड करूँ। ये एक ड्रीम कम ट्रू जैसा है गाइस, देख रहे हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब आप कुछ ड्रीम सोचते हो ना और आप उसे पूरा कर लेते हो तो वो खुशी अलग लेवल की है, मस्त है। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, ज़्यादा नहीं। वहाँ तक तो आदमी लोग गया था क्योंकि वहाँ पर फुटप्रिंट है। बट मेरी थोड़ी फट रही है, अगर ये टूटा तो क्लास। अंदर तक कुछ आप देख रहे हो, हमारे यहाँ देखो, देख रहे हो, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा पूरा आइस आइस पूरा। तो कुछ इस तरह है व्यू, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं उसके बाद निकलते हैं, ठीक है। एक दो सिनेमैटिक लेने की मैं कोशिश करता हूँ, अगर हो पाता तो लेते हैं, अगर नहीं तो चलते ऐसे ही। लिविंग फ्रॉम हेयर। और ये दो राइडर्स भी आ गया, अभी वो लोग भी वहाँ पर फोटो खींचने गए हैं। तो उन लोग बोल रहे थे कि साथ ही साथ चलते हैं, बट मेरा थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे आगे जाके एक बार फ़ोन भी चार्ज करना है। तो चलते हैं, अभी हम लोग ने फोटो वोटो सब खींच लिया और आप लोग इंस्टा में जाके देख सकते हो। थोड़ा ठंड थोड़ा बढ़ गया, अभी विंड थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, आपको फ़ोन में पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि ईयरफोन जैक लगा के रखा हूँ मैं। और आगे में रास्ता ब्लॉक था आई गेस, तो अभी इंडियन आर्मी आ रहे हैं आगे से, पहले से रुक के रखा था तो ब्लॉक था शायद। अरे रे 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 रे, आराम से चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ब्लॉक कहाँ पर था मुझे पता नहीं है, आगे जाके पता चलेगा। सब सेल्फी ले रहे हमने तो ले लिया है, हमने वीडियो भी बना लिया, सेल्फी भी ले लिया। बस अभी जाना है, एक बार फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि बैटरी लो हो रहा है अभी। आईफोन का ठंड में बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होता है, तो ये थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा इशू है आईफोन में। पहले हम थे वहाँ पर, अभी है यहाँ पर, ये लास्ट है। अभी यहाँ से फिर आपको देखने नहीं मिलेगा। और मौसम थोड़ा बिगड़ रहा है ऐसा लग रहा है, थोड़ा बारिश या
ये बर्फ का कारण कुछ आ रहा है, पानी पानी सा, बारिश जैसा। आई थिंक ये विंड का कारण से है, विंड से स्नो को पूरा ऊपर ऊपर लेके आ रहे, तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है। क्या हम आगे जा सकते हैं या हमें रुकना पड़ेगा यहाँ पर? आगे चल के देखते हैं क्या है सीन। सीन कुछ अलग है। अभी है सबसे मेन पार्ट हमें जाने का, क्योंकि अभी हमें जाना है डाउन, और मुझे पता नहीं डाउन हम लोग जा सकते हैं या नहीं, कि पूरा स्किट होगा। शेट अमन, अब लगने वाली है हमारी, तो हम रुक के देखते हैं यहाँ पर अभी ना। यहाँ पर रुकते थोड़ा देर के लिए। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, अब यहाँ से जाना कैसे हमें? वी आर इन सेलापस अगेन। ये तो पूरा ब्लैक आइस ही है, लेके जाएंगे कैसे? शेट, पर आते वक्त कुछ नहीं होता, अभी जो जाते वक्त क्या होगा। ओ माय गॉड, अभी लगने वाली है। शेट, देख रहे हो मौसम पूरा फोग, तो नीचे मौसम अच्छा होगा। जाएंगे कैसे डाउन में? अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे, हम लोग ने आगे एक रस्सी बांध दिया, एक भैया मिला था तो उन्होंने वो रस्सी दिया, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। बहुत तकलीफ होगा जाने के लिए, देखिए कैसे स्लिप हो रहा है। अभी हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा टाउन में, कोई वो है ही नहीं, अभी उपाय नहीं है, हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा। और बाइक को ठंड लग गई है, स्लो रनिंग में बैठ नहीं रहा है, देख रहे हो। थोड़ा गर्म कर लेते पहले बाइक को। गिरेगा तो नहीं, बस भरोसा रखना मुझ पर और ऊपर वाले पर। आराम से चलते हैं हम लोग, अभी 3 साथ जा रहे हैं, 2 आगे जा रहे हैं, हम लास्ट में हैं अभी। इतना तकलीफ तो नहीं हो रहा है, अभी तो स्लिप नहीं मार रहा है, क्योंकि आगे में भी हम लोग ने रस्सी लगा लिया है इसीलिए। तो थोड़ा न्यूट्रल में चलते हैं अभी, क्योंकि बाइक गर्म हुआ नहीं है अभी अच्छे से। एक नंबर लगा के आराम से चलते हैं, इंडिकेटर ऑन करके चलना होता है ऐसे में। और फॉग भी जमा हो गया अभी, ठंड बहुत बढ़ गई गाइस, ठंड बहुत। अभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं, आगे फोकस करना ज़रूरी है। अगर बातों ही बातों में गिर गए तो फिर अपनी एल लग जाएगी। ठंड इतना है ना, अगर आपको थोड़ा सा भी लगेगा ना, इतना दर्द होगा आप सह नहीं पाओगे। इसलिए एक नंबर में आराम से चलना है हमें। हो, स्लिप कर रहे टायर, स्लिप कर रहे। अरे 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 अरे, इधर में थोड़ा डाउन है तो स्लिप ज़्यादा कर रहे, सांस भी थोड़ा और फूल रहे, क्योंकि पूरा मतलब थोड़ा टाइट से पकड़ रहे बाइक को, इसीलिए सांस फूल रहे। चलो बैठो बैठो, चेट 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 चेट, पकड़ो 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 बाइक को पकड़ो ब्रो। चाबी बंद करो, चाबी बंद करो, चाबी नहीं नहीं चाबी बंद करो, आराम से चाबी बंद करो, स्टार्ट को चाहिए घुमाओ। हाँ रुको, आराम से गिरने दो, आराम से गिर, आराम से गिरने दो, गिरने दो, रुक जा रुक जा, आराम से उठाएगा अभी। शिट, ओ शिट, आराम से गिरे, लगा नहीं। अभी एक बार आराम से गिरे, उठा लेते फटाफट। देख रहे हो यहाँ पर उठाना कैसे, इधर से उठाओ। अरे 1 2 3 उठा उठा, रुक जा रुक जा रुक जा, तुम ना जाके स्टैंड लगाओ, उस तरफ जाके स्टैंड ऑन करो। रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसे पकड़ के रखो, हम आगे आ रहे, रुक जा, कहीं लगा तो नहीं, रुको थोड़ा साइड करना पड़ेगा। गरे घर उस, अब उस तरफ जाओ, उधर से पकड़ो, इधर से पकड़ के रखो, इधर गिरने मत दो, पकड़ो, बस बस रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा साइड करके देखना पड़ेगा। थोड़ा सांस फूल के, रुक जाओ, थोड़ा लग गया,
चलो चलो, नहीं लगा कहीं में भी, गिरा नहीं, जोर से गिरा भी नहीं था तो फिर उठाने नहीं सकेगा, इसीलिए मैंने आराम से नीचे रख दिया। अभी ज़्यादा स्लिप कर रहा है पता नहीं क्यों, तो आराम से जाना पड़ेगा। हिमालयन इतना हैवी है ना, अगर थोड़ा सा भी एक साइड गिर जाता है तो आप उसको पकड़ ही नहीं सकते, वो गिर ही जाते, पर आपको गिरा ही गिरा देना ही, वैसे उसका उठा सकते हो आराम से, आप आधे में आप रोक के नहीं रख सकते, तो बहुत हैवी होता है। इसीलिए हम लोग काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो दो राइडर जो था वो तो पीछे ही है अभी भी, अभी हमें बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा। और स्नोफॉल हो रहा है या हवा के कारण स्नोफॉल आ रहे हैं मुझे पता नहीं, राइड करने में बहुत तकलीफ हो रहा है अभी, सांस फूल गया। अभी आपको नीचे मिलते हैं, अभी यहाँ पर क्या हो गया है, आई थिंक ब्लॉक है शायद, या क्या हो गया, आगे जाके देखते हैं। पूरा ऐसे कहाँ से जाएं आप, आई डोंट थिंक सो, आगे जाके रास्ता देखो कहाँ क्या हुआ है, लेफ्ट साइड से जा सकते हैं, देखो मौसम थोड़ा खुल रहा है, काफ़ी गर्म हो गया अभी, देखो आदमी स्लिप हो रहा है, बाइक क्यों स्लिप नहीं होगा। और मेरा जूता में पूरा पानी घुस गया, तो बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ठंड लग रहा है, पकड़ना पड़ेगा पकड़ना पड़ेगा, इस तरफ से गिर सकते हैं, पकड़ना पड़ेगा पीछे से पकड़ना पड़ेगा, अगर स्लिप वो गिरेगा टायर के नीचे घुस जाएगा, आराम से आराम से आराम से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से चलो। आगे ब्लॉक है सर, हाँ हाँ अच्छा अच्छा आगे ब्लॉक है, कैसे जाएंगे, गिर जाएगा इसमें, पाँव लगा के देखना, जा सकते हैं, आ जाओ पीछे आ जाओ, पकड़ो 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 पीछे पकड़ो, रुको रुको सीधे होगा सीधे होगा, नहीं 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 पीछे रखो, बस अभी आगे जाके देखते क्या हुआ है, क्यों जाम लगा है, अभी हम फंसे हैं जाम में, आगे पे पूरा जाम लग गया है, आप लोग देख सकते हैं, तभी क्लियर हो रहा है, अभी निकलते हैं, अभी थोड़ा जाम क्लियर हुआ है तो आगे आगे बढ़ते हैं। और पीछे से एक कमांडर आ रहा है, तो उन्होंने थोड़ा साइड करने को बोल दिया है, और ये दो राइडर भी अभी आ गए हमारे साथ साथ। अच्छा अच्छा यहाँ पर रोड क्लियर कर रहा था, तभी कमांडर ने बोल दिया है कि हमें जाने दो, तो हमारे पीछे पीछे कमांडर आ रहा है, तो हमें फ़ायदा हो रहा है। ये कुछ अलग ही है, साफ करने वाला आता ना तो वो लगा दिए, तो अलग टेक्निक है, पकड़ना पकड़ना नीचे जाएगा, स्लिप हो रहा है नीचे, पकड़ना 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 पकड़ना, अभी गिरेगा, फक मैन, रब ले गाइस, hey Ross, sauce it up. आराम से आराम से, रेस मत दो, क्लच दबा के धक्का मार दो, अमन रेस नहीं देने, हाँ रेस कम रेस कम रेस कम, हम लोग कहाँ से, यहीं से क्या, पीछे से पकड़ना, अभी हमारी बारी है, ये गिरेगा गिरेगा, पीछे से धक्का ही मारना पड़ेगा, रुको रुको, हाँ आराम से, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मारो, अरे रे 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 रे, वेट 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 वेट, थोड़ा पीछे ले लो थोड़ा पीछे ले लो थोड़ा पीछे ले लो, वो ले लो,
अभी अभी मारो ठका मारो, रुक जा, नहीं 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 रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, आगे चल आगे चल, पकड़ना 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 पकड़ना, उधर से ले लेगा हमारा थोड़ा बड़ा है हिमालयन तो नहीं निकल रहा है, उनका छोटा है डोमिनर, तो छोटा होता तो वो तो निकल गया। ओए वेट वेट रुक जा, आराम से वंस मोर, ओके या नीचे तक आएगा ब्लैक आइस कहा, ओहो या सुन रहे हो ना आप लोग, और 45 मिनट्स ऐसे जाना है हमें। अभी काफ़ी हम लोग नीचे आ चुके हैं, आई थिंक यहाँ में और एक ब्लॉक है, आप लोग देख सकते हैं हम लोग फिर यहाँ में फंस गए, अराउंड 4 या 5 किलोमीटर नीचे आ गया था, अभी और भी नीचे जाना है हमें, अराउंड और 8-9 किलोमीटर और जाना है हमें, ऐसे ही ब्लैक आइस पर जाना है। आपको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा मुझे पता नहीं, क्योंकि ईयरफोन लगा के मैं बात नहीं कर सकता अभी, तो देखते कब तक खुलते हैं उसके बाद निकलते हैं। फाइनली रोड खुल गया तो अभी हम लोग आके जा सकते हैं, अभी फाइनली चलते हैं फटाफट। भाई फिर से हम लोग निकल गए यहाँ से और मेरा ग्लव्स फिर से टाइट हो गया है, हम लोग यहाँ में 45 मिनट्स हम लोग यहाँ पर फंस गए, अभी फिर रास्ता खुल गया तो देखते हैं अभी कहाँ तक हम लोग जा पाते हैं, या अभी रोड पूरा खुला हो सकता है तो देखते हैं आगे पता चलेगा आपको। और स्नोफॉल थोड़ा ज़्यादा हो गया अभी तो थोड़ा राइड में और तकलीफ़ हो रहा है, अभी हम लोग और 9 या 10 किलोमीटर और जाना है ऐसे ही स्लो करके, क्योंकि वहाँ तक पूरा ये ब्लैक आइस है, ये पूरा ब्लैक आइस है। आपको एक बात बता दूँ, सेला पास आना इतना इजी नहीं, विंटर में आप दूसरे टाइम आ सकते हो बट दिसंबर जनवरी में आप बिल्कुल नहीं आ सकते, आ सकते हो बट उतना इजी नहीं होगा आपके लिए, आप गाड़ी के लिए गाड़ी में आ सकते हो बट बाइक पर इट इज़ नॉट पॉसिबल ब्रो, बाइक पर बहुत मुश्किल होगा आपको। फिर से यहाँ पर रुक गया, अरे अभी तो शुरू किया था, फिर से नहीं यार, फिर यहाँ में रुकना पड़ेगा। अभी टाइम हो गया 3:45, आई थिंक रात हो जाएगा, और आईफोन का बैटरी 20% है अभी, देख लो जी। अभी यहाँ में फिर से स्टॉप हो गया, हमें 1 किलोमीटर चलने के लिए 1 आवर लग रहा है, तो फिर यहाँ में क्या हुआ है, आई थिंक एक्सीडेंट हुआ है या नहीं देखना पड़ेगा। ओह बाइक गिर गया लगता है, गिर गए क्या, लगी तो नहीं, लगी नहीं। अच्छा पकड़ दो, बस हाँ आराम से आगे, तो जाम हो गया फिर। स्लो हमें गिर गया भैया फिर से, फिर अभी निकलते हैं आगे से, गाड़ी आ रहे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे देखते हैं, आगे जा पाएगा नहीं, अभी 4:30 हो गया है, हम लोग अभी तक यहीं पर है, लिटरली 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको 1 आवर लग रहा है हमारा यहाँ पर, थोड़ा आगे चलते हैं। और मैं आईफोन का बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, बस अरे अरे बस अभी 10% बचा है, आराम से यहीं पर गिरा था, हमें भी देख के जाना पड़ेगा, थोड़ा पकड़ना पीछे से, फुल सपोर्ट देना बाबू भैया, फुल सपोर्ट आराम से।
हाँ स्लिप हो रहा है। थमना थमना थम्बा थम्बा। हे राम 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 राम। इतना स्किट कर रहा है, इतना गर्म लग रहा है ना, क्या बताऊँ। अभी ठंड में भी -6-7 चल रहा है तब भी मुझे गर्म लग रहा है और सांस भी थोड़ा फूल रहा है। अरे रे रे, ऊपर नहीं जाना चाहिए था। अभी आपको नीचे जाके मिलते हैं क्योंकि बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। हाँ हाँ हाँ, और बारिश या स्नोफॉल हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। अमन क्लोज क्लोज यो। अभी हम लोग वैसे की पहुँचने वाला है, पहुँचा नहीं है। बाइक का फोन गिर गया था, शॉर्टकट आ रहा था नीचे से, तो बाइक में दो आदमी नहीं आ सका था तो फोन गिर गया। तो अभी फिर हमें 10 मिनट लग गया घूमते घूमते, मिल गया फाइनली फोन। अभी जा रहे, फोन में 5% बैटरी है, कहाँ तक चलेगा मुझे पता नहीं। अभी पूरा रात हो चुका है, कंटेन गया बाहर में, अभी हमें अपना जान बचाना है, निकलते हैं। देखो स्लिप हो रहा है पूरा, अभी जाके घर जाके मिलते हैं आपको। हाँ जी, तो कुछ इस तरह हो गया था हमारा हालत सेला पास में। तो हम लोग नरसों हम लोग पहुँच गए थे, तो आज 3 दिन हो चुके हम लोग। अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि बहुत सारा रीज़न था, मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था तो उसके कारण ब्लॉग नहीं कर पाया। तो थोड़ा लेट हो रहा है, सीरीज भी लेट हो रहे मुझे पता है। तो थोड़ा सा सेला पास के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो हम पहुँचे थे सेला पास करीबन 10:30 को, ठीक है। तो हमने वहाँ पर चाय पिया, जैसे हम लोग नीचे आए तो वैसे ही मौसम पूरा काला हो गया था। मौसम का मतलब रूप ऐसे बदला ना कि लाइक मैं सोचा नहीं था कि मौसम ऐसा हो। जैसे सेला पास का गेट है जो एंट्री, हम लोग जैसे डाउन, वहाँ से अब डाउन शुरू होता है, ठीक है। तो वहाँ से मौसम पूरा काला, ठीक है, पूरे काले बादल इधर भी और इधर भी। तो मुझे पता चल गया था कि मतलब अभी लगने वाली है अपनी। तो हमने वहाँ पर चाय पिया, तो चाय पी के हमने, तो उसके बाद हम लोग नीचे आए। उसके बाद एक पॉइंट में हम लोग जो गिर रहे थे, ठीक है, वीडियो में आपने देखा होगा, तो उसका मैं सीन बता देता हूँ कैसा हुआ था। लाइक मेरा बाइक ऐसे गिरा तभी वीडियो ऑन हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, ये स्क्रिप्टेड हो सकता है, तो ऐसा सोचा होगा, बट ऐसा नहीं था। मैं बता देता हूँ हम लोग व्लॉग कैसे कर रहे थे। जो पीछे में भाई बैठा था लाइक उसको मैं कैमरा ऑन करने देता था, ठीक है, क्योंकि मेरे हाथ में तो ग्लव्स था दोनों, तो मैं ऑन नहीं कर पाता हूँ। मैं राइड कर रहा हूँ, अभी ऑन कैसे करूँ, मैं बार बार रुक नहीं सकता हूँ। मैंने भाई को बोला ऑन करने, ठीक है। जैसे मैंने बोला वो ऐसे करके आया तो पीछे से आना पड़ता, ठीक है, ऑन करे। फोन तो यहाँ पर होते, वो तो पीछे होते, तो ऐसे करके आ रहा था ऑन करने के लिए, क्लिक करने के लिए, ठीक है। तो जैसे वो आया तो पीछे का टायर थोड़ा सा स्लिप किया, ठीक है, जैसे थोड़ा सा हिला पीछे का टायर स्लिप किया तो लाइक बाइक थोड़ा हिल गया। तो उसने मेरा माथा, मेरा हेलमेट को पकड़ा, तो लोग मतलब बाइक टेढ़ा हो गया, ठीक है। अभी तो वहीं पर मैंने बोला ऑन कर दो, तो मैं पकड़ के रखा बाइक को, पूरा दम लगा के पकड़ रखा, तब वो ऑन हुआ, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन था, तो स्क्रिप्टेड नहीं था वो चीज़। तो वहाँ पर एक बार गिरा, तो फिर उसका हम लोग बाइक को उठा कि आप लोग ब्लॉक में देखा होगा, हम लोग नीचे आए। आने के बाद हम लोग का थोड़ा रात हो गया, ठीक है, क्योंकि हमें 1 किलोमीटर चलने के लिए 1 आवर लग रहा था, ठीक है। तो उसके बाद नीचे आते आते ब्लॉक में ज्यादा कर नहीं पा रहा था, क्योंकि आईफोन का बैटरी इतना जल्दी ड्रेन होता है, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा शूट कर रहा था। आपने देखा भी ब्लॉक मतलब बीच बीच में कहाँ कहाँ पहुँच रहे, ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन हो गया था। तो एक पॉइंट है जब हम लोग आ रहे थे, मतलब जब हम लोग चिंचुंग से तवांग जा रहे थे, वो राइट में आपने सेकंड एपिसोड या थर्ड एपिसोड में आपने देखा होगा, एक जगह पर हम लोग रुके थे, ठीक है, मैंने टाइमलेस भी लिया था। तो वो वाला टर्निंग में मैं तो मतलब भाई तो बैठ रहा है नहीं पीछे, वो डर लग रहा है उसको, ठीक है, तो मुझे भी तकलीफ हो रहा है। चलो मैंने तो बैठा बोला, वो नहीं बैठ रहे, ठीक है, वो पैदल वो नीचे तक पैदल ही आ रहा था। तो वो जो टर्निंग में आपको क्लिप यहाँ पर ये वाले साइड पर आपको दिखा दूंगा, तो वो टर्न ऐसा है, ठीक है, तो लाइक यू शेप में टर्न है, पूरा टर्न नहीं है, तो लाइक ऐसा वाला टर्न था। तो उसने क्या क्या किया कि शॉर्टकट लिया, ठीक है, एक शॉर्टकट लिया। मैं वहां से घूम रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ पीछे नहीं आ रहे, तो मैं शॉर्टकट लिया होगा। तो मैं फिर गया वहां से घूम के, वो तो नीचे पहुंच के रखा था नीचे वाला रोड में, तो मैंने सोचा हाँ शॉर्टकट ले रहे, ठीक है। तो फिर दूसरा टर्न था, तो फिर ऐसा करके लाइक ऐसा आया, वो शॉर्टकट आया, ठीक है, यहाँ पर मिला मुझे। फिर ऐसा करके एक टर्न था, तो वहां पर भी उसने शॉर्टकट लिया, ठीक है। मैं पहले पहुंच गया था उस टाइम में, तो मैंने नीचे जाके मैं रुका, वो आ रहा ही नहीं है। थोड़ा देर बाद आ गया, मैंने बोला बैठो, हाँ मैं ले लूंगा, अभी नहीं गिराऊंगा मैं, ठीक है। वो बैठ गया, जैसे ही बैठा तो उसने लाइक जेब ऐसे किया, तो लाइक फोन नहीं है, ठीक है। तो ओ शिट, फोन नहीं है अभी मतलब पूरा डर गया, ठीक है, दोनों डर गया, अभी फोन कहाँ गया होगा, अभी रात भी हो रही है। तो फिर हम आगे गए, जहाँ तक बाइक को वहीं पर साइड कर दिया हमने, तो हम आगे वापस आए, तो जो शॉर्टकट था वहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। फोन में टॉर्च ऑन किया, मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगा, दिखा भी नहीं पाया, वहाँ पर पहुंचा तो मैंने फोन किया, फिर तभी व्लॉग नहीं कर पाता हूँ। फोन में कॉल में जो ऑन रिकॉर्डिंग ऑन होता है, फोन रिंग जा रहे हैं, सुनाई दे रहे, बट फोन कहाँ पर है पता नहीं चल रहा। वो भाई शॉर्टकट तक गया, मैं नीचे से फोन कर रहा हूँ, वो ऊपर गया, ऊपर पहुंचा, साउंड उसको सुनाई नहीं दे रहे, पर मुझे सुनाई दे रहे, लाइक कहाँ पर है फोन, इधर देखा उधर देखा। तो मैं एक पॉइंट पर गया, थोड़ा सा आगे
गया जहाँ से वो शॉर्टकट आया था। तो मैंने थोड़ा सा बर्फ को ऐसे हटाया तो साउंड थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो मुझे लगा यहीं पर है। तो थोड़ा ढूंढा तो लाइक इतना जितना बर्फ था तो इतना अंदर फोन घुस गया था। तो फिर फोन मिल गया फाइनली। हम लोग ढूंढते लाइक 10-15 मिनट हमें लग गया और डायरेक्ट अंधेरा हो गया। थोड़ा डर लग रहा था मुझे, बट भाई को मैं बोला नहीं, फिर वो भी डर जाएगा ठीक है। तो फिर हम जैसे तैसे आए, उसको भी बिठाया मैंने, बट एक बार भी नहीं गिरा ठीक है। हम लोग 3 बार गिरे थे और ज्यादा जोर से गिरा नहीं बाइक, बहुत आराम जैसे फर्स्ट वाला आपने गिरा देखा वैसे गिरे। और वो उसमें शूट नहीं कर पाई, क्यों नहीं कर पाई, फोन तो ऑफ था इसीलिए आपको दिखा भी नहीं पाया। तो हम लोग ऐसे करके गिर गए, दिखा सकता था बट मैंने सोचा छोड़ो ना, क्योंकि इतना तकलीफ हो राइड करने और भाई को भी तकलीफ हुआ फोन ऑन करने के लिए, इसलिए मैंने छोड़ो गिर गया तो गिर गया, उठा लो चलो। ज्यादा जोर से तो गिरा नहीं है, लाइक फर्स्ट टाइम राइड किया और ज्यादा जोर से गिरा नहीं, तो आपका भाई। तो हाँ कंटिन्यू करते हैं। और जैसे हम लोग फोन ढूंढ के नीचे आए तो उसके बाद हम बैसाखी पहुंच गए ठीक है। बैसाखी जैसे पहुंचे तो ब्लैक आइस खत्म, स्नो हो रहा है ठीक है, स्नो हो रहा है। हम लोग बैसाखी भी नहीं रुके, हम लोग ने सोचा था वहां पर रुकेंगे, बाइक का टायर में रस्सी है ना, रस्सी पूरा लग रहा था। तो फिर ने बोला छोड़ो थोड़ा आगे जाके करते हैं। तो आगे जाते जाते पूरा वो आ रहा है, स्नो हो रहा है, पूरा हैवी स्नोफॉल हो रहा था। उसके बाद तो कुछ उपाय नहीं, क्योंकि वो हिमालयन मेरा उसमें फॉग लाइट नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, जो मेन लाइट हेडलाइट है वही है, वो बहुत तकलीफ हो रहा था। तो हम लोग बैसाखी के 10 मिनट बाद हमें एक और एक पॉइंट मिला, वहां पर एक गाड़ी रुका था ठीक है। वो लोग भी रस्सी को काट रहे थे, अपना टायर से निकल रहे थे। हम भी रुके, उसके बाद हमने भी हेल्प मांगा, तो हमने भी नाइफ मांगा, तो नाइफ मांग के उन्होंने दिया, तो हमने भी मतलब काट दिया। इंडियन आर्मी था, तो मेरा पाँव में पूरा पानी, पूरा आइस का पानी घुस गया था, पूरा जूता पूरा भीग गया था ठीक है। तो फिर मेरे पास एक्स्ट्रा सॉक्स था, मुझे पता था ऐसा होगा बोल के मैंने साइड पॉकेट पे रखा था सॉक्स। तो फिर मैंने जूता खोला, भाई का तो कुछ हुआ नहीं था क्योंकि बाइक तो मैं चला रहा हूँ ना। तो फिर उसको मैंने चेंज किया, पूरा ठंड हो गया था, पाँव फील दर्द हो रहा था, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो हमने फिर वहां से चेंज किया मैंने सॉक्स, तो थोड़ा अच्छा लगा। तो फिर उन्होंने बोला, इंडियन आर्मी दो थे, उन्होंने बोला कि मतलब ठंड लग रहा है तो मतलब अंदर में हीटर है, आप तुम हीटर वो कर सकते हो बोला। तो मैंने भी सोचा ठंड लग रहा है ठीक है, मैंने जाके थोड़ा सा हाथ वात को गरम किया, पाँव को थोड़ा गरम किया, उसका सॉक्स पहना। उसके बाद एक ऑफिसर आया, उनका थोड़ा हेड था, उन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरह बात किया हमारे साथ ठीक है। तो उन्होंने बोला कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला हम सिंचुंग जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला इतना दूर है, तुम लोग डिनर कहाँ करोगे। टाइम हुआ था आई थिंक 6 o'clock हो गया था, 6 या 7 ऐसा कुछ हुआ था, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो तुम लोग को भूख लगेगा, ऐसा बोला। हम लोग खाना तो मतलब खा के तो आए थे बट भूख तो नहीं लग रहा था, उन्होंने बोला लगेगा, बोला हम इस ओके हो जाएगा, उन्होंने मतलब बोल रहा था, मतलब यहीं पर डिनर कर लो ऐसा बोला। हमने बोला फिर हमें लेट हो रहा, थोड़ा बारिश भी शुरू हो गया ठीक है थोड़ा थोड़ा। तो फिर हम लोग जाने वाले थे, तो उन्होंने हमें 2 पैकेट बिस्किट दिया ठीक है। निकलते हैं आराम से। हाँ हाँ, तो हम लोग यहाँ पर रुके थे बैसाखी के थोड़ा सामने में, थोड़ा नीचे में। तो इन सब लोगों ने हमें हमारे हेल्प किया, हम लोग अभी जा रहे हैं। थैंक यू सर आग देने के लिए। सर ये क्या है? थैंक यू सर। कोई नहीं, थैंक यू सो मच। ओके ओके। और सर आपका नाम? मेरा नाम नागेश के भी सर। ओके ठीक है, मैं वैसे से भी करता हूँ। अच्छा 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 ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू। टेक इट मैन। थैंक यू सो मच एंड हैट्स अप टू इंडियन आर्मी, हमें इतना हेल्प किया उन्होंने। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतना हेल्प करेगा ठीक है। बहुत अच्छे थे वो तीनों जो सर थे, बहुत ही अच्छे थे तीनों ने, हमें बहुत हेल्प किया और आराम से जाने के लिए बताया। और सर ने तो हमें बिस्किट भी दिया। हम लोग फिर नीचे आए, थोड़ा नॉइस आ रहा होगा तो बाहर में थोड़ा फैमिली है तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले तो आ गए वापस घर। अभी हम लोग सब सेफ, हम दोनों सेफ है और जो दो राइडर थे हमारे साथ वो लोग भी सेफ है, सेफली पहुँच गए। और अभी मैं अपने घर पर, और मुझे पता है कि व्लॉग थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि मतलब यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इश्यू है। मैं मतलब व्लॉग एडिट कर रहा हूँ ना तो मुझे 2 दिन लग रहा है, कभी 1 दिन लग रहा है व्लॉग को सेव करने के लिए। मेरा ऐप में मतलब इतना लंबा मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़ा छोटा व्लॉग करूंगा, तो इसीलिए मैंने जो 2 पार्ट है, जो तावांग वाला सीरीज था उसमें भी मैंने मतलब 2 भी कंटिन्यू करके 2 पार्ट डाला, क्योंकि सेव नहीं होता है वीडियो, बहुत तकलीफ हो रहा था मुझे ऐसा सीन है। और नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक व्लॉग मुझे अभी ये ढालने के लिए मुझे आई थिंक 2 दिन लगेगा, क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा लंबा है तो 2 दिन लगेगा श्योर है। यही था सेला पास का कहानी। और अगर आप लोग सेला पास आने की सोच रहे हो तो रिसर्च उसके बाद ही आना। अगर आप दिसंबर जनवरी फरवरी में आ रहे हो तो आप लोग प्रॉपर रेनकोट, आपके पास राइडिंग जैकेट है, पैंट है, बूट्स है तो जरूर पहन के आना मस्त। और आपके पास सॉक्स होना जरूरी है, मोटा वाला सॉक्स, मोटा वाला जैकेट होना जरूरी है ठीक है। तो आप लोग रिसर्च करके आना, मौसम को जरूर देख के आना। हम लोग मौसम को देख के तो आए थे बट सेला पास के बाद आपने देखा होगा मौसम का क्या हाल था, क्या कैसे रूप बदला मौसम का, क्या बताऊं मैं। तो ऐसा है। और आपके पास चेन होगा तो आप लोग चेन लेके आना। बहुत सारे राइडर है जो लद्दाख करते हैं, मतलब सारे यूट्यूबर्स जितने भी राइडर्स हैं सब लद्दाख पर करते हैं। मैं बोलना चाहूंगा कि एक बार सेला पास को भी क्रॉस करके देखना, एक्सप्लोर करके देखना, आपको मजा आएगा जरूर। वो ही था। और एक ही जगह पर बैठ के मैंने इतना लंबा बात कर दिया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ठंड लग रहा है, ठंड आप देख रहे हो इतना ठंड है यहाँ पर इसीलिए। और
गला भी थोड़ा सूख रहा, थोड़ा सर्दी भी होके रखा है। तो यही था, आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर कोई नए हैं मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और सारे एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 5, पार्ट 6 है शायद, तो उसको फॉलो करना, आपको मजा आएगा। और आप लोग इतना प्यार कर रहे हो तो थैंक यू सो मच, दिल से ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। और मेरे फ्रेंड्स जितने भी हैं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। एंड इतना ही बोलना था आप सबको, तो कुछ ऐसा था। चीयर्स, पानी है गाइस। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा तो एक डिसलाइक कर देना, बट कमेंट मत करना। या बूम, इसको बंद करो अमन, चलिए अमन, मेरी बेटी खत्म हो गया। इधर से क्लोज करो, क्लोज करो, ऊपर क्लोज करो, इधर यार। Double tap like who I am, she can get dangerous right with a blame.